हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। आज के हम कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में मैं आनंद ठक्कर रियल केमिस्ट्री से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में हम आपको आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 11th में, चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप डील करने जा रहे हो पार्टिकल थियोरी एंड वेव थियोरी। तो दोस्तों, पहले हम उसके अंदर ड्वालिटी के बारे में दिया गया है। तो ड्वालिटी क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्वालिटी के बारे में पढ़ना है एंड मैटर की ड्वालिटी के बारे में भी पढ़ना है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। वैसे ही मैटर का भी दो नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। लेकिन ड्यूअल नेचर पढ़ने से पहले आपको कॉन्क्रीटली ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्योर पार्टिकल नेचर क्या है और एग्जैक्टली प्योर वेव नेचर क्या है। ये दोनों चीजें आप जब कॉन्क्रीटली जान लेते हो, उसके बाद ही आपको ड्यूअलिटी पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज हम डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव थियरी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत देखना और आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके, टेक अ लुक। डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड थियोरी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक पार्टिकल एंड दूसरा वेव। और एक तीसरी चीज है, वो है ड्यूअल, यानी पार्टिकल भी वेव है एंड वेव भी पार्टिकल है। ये दोनों चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना है कि पार्टिकल थियोरी क्या है एंड वेव थियोरी क्या है। इसको डिफर मैं 4 पॉइंट्स में करता हूं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, 4 डिफरेंस मैंने यहां पे क्रिएट किए। पहला, पार्टिकल कैन बी लोकलाइज्ड, उसका आप लोकेशन ढूंढ सकते हो, लेकिन वेव का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। यानी कि कोई वेव है तो वेव सपोज एक जगह पे है तो उसका लोकेशन आपको फिक्स या सर्टेन लोकेशन नहीं मिलता है, वेयर एज पार्टिकल का आप लोकेशन ढूंढ सकते हो। ओके, दूसरा जो है वो ये है कि 2 or more पार्टिकल कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट, एक से ज्यादा पार्टिकल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जब एक पार्टिकल ने एक स्पेस को एक समय पे ऑक्यूपाई कर लिया है तो उसी समय पे कोई दूसरा पार्टिकल उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। यानी दो पार्टिकल एक ही जगह पे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। वेयर वेव जो है वो एक ही जगह पे एक से ज्यादा वेव कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही स्पेस पे एक से ज्यादा वेव हो सकते हैं। और इस घटना को बोला जाता है इंटरफियरेंस। दोस्तों, इंटरफियरेंस का मतलब यह है कि दो वेव एक ही जगह पे, दो या दो से ज्यादा वेव एक ही जगह पे अगर हो जाते हैं तो वो दोनों या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे के अंदर इंटरफियरेंस क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को इंटरफियर करते हैं। और ये इंटरफियरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यहां पे मैंने 2 एनिमेशन लिए हैं। पहला एनिमेशन देखिए कि यहां पे एक वेव है और दूसरा ये वेव है। ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर आप इमेजिन कर ले, ये यहां पे देखिए एक वेव दूसरे वेव के ऊपर अगर एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ एंड क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा। यानी एक के ऊपर दूसरा जब आएगा तो एक का जब ट्रफ आता है तो दूसरे का भी ट्रफ आता है, ऐसे दो वेव्स होते हैं। तो इस वेव को, इस इंटरफियरेंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो देखो, यहां पे इसका जो एम्पलीट्यूड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए प्लस बी होके बड़ा एम्पलीट्यूड बन जाता है, यानी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। दूसरे में देखे, यहां पे मैंने टोटल 3 वेव्स आपको दिखाई देंगे, एक रेड है, एक ग्रीन है। रेड एंड ग्रीन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरफियर करते हैं और उसके द्वारा जो तीसरा वेव बनता है वो प्रोडक्ट वेव है। तो जब आप देखोगे कि रेड एंड ग्रीन का ट्रफ के ऊपर ट्रफ एंड क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आता है तब ये जो ब्लू कलर का वेव है वो हाईएस्ट पीक पे जाता है। तो ये हाईएस्ट पीक पे तभी जाएगा जब कंस्ट्रक्शन होगा। इंटरफियरेंस का क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके दोस्तों, ऐसा ही दूसरा इंटरफियरेंस है डिस्ट्रक्टिव, यानी ट्रफ जो होता है तो सामने क्रस्ट होता है और एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को वो क्या करते हैं, कम करते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके दोस्तों, तो टेक अ लुक फिर से एक बार, इट कैन बी लोकलाइज्ड, इट कैन नॉट बी लोकलाइज्ड।
टू और मोर पार्टिकल कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट, यहां पे कोएग्जिस्टेंस होता है. ओके, इट डजंट शो इंटरफेरेंस, पार्टिकल इंटरफेरेंस शो नहीं करते हैं. वेयर वेव जो है वो इंटरफेरेंस शो करते हैं, मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस मतलब क्या. और तीसरा, इट डज नॉट शो डिफ्रैक्शन और इट शो डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन क्या है वो भी मैं बताता हूं. ये होता है डिफ्रैक्शन, यू कैन सी दैट. डिफ्रैक्शन का मतलब है वेव किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इस घटना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन. फिर से, डिफ्रैक्शन का मतलब है वेव जो है वो किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, बेंट होता है, इस घटना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं डिफ्रैक्शन में. मान लीजिए कि आप घर में बैठे हो, एक रूम में बैठे हो, रूम बंद है और बाजू के रूम के अंदर टीवी चल रहा है, तो टीवी का साउंड आप तक पहुंचता है. वो कैसे पहुंचता है? वो दीवारों को फान के नहीं पहुंचता है, लेकिन वो टकरा टकरा के आपके पास पहुंचता है. तो साउंड इज अ परफेक्ट वेव एंड इस घटना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन, क्योंकि वो टकरा के बेंड होके वापस टकरा के वापस बेंड होके वो आप तक पहुंचता है. सो वेव जो होता है वो परफेक्टली डिफ्रैक्शन शो करता है. यू कैन सी ओवर हियर, वेव जो होता है वो परफेक्टली डिफ्रैक्शन शो करता है, पार्टिकल जो होता है वो डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है. यू कैन सी ओवर हियर, ये डिफ्रैक्शन होके अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने पार्टिकल एंड वेव दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया. आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच.